एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में रहता था एक किसान धर्मपाल नामक। धर्मपाल खेती बाड़ी करके खुद फसल उगाता था। उसके पास कुछ पशु भी थे, जैसे मुर्गी, सुअर, बकरा और एक बड़ी सी गाय जिसको वो बहुत ज्यादा पसंद करता था। गाय से उसको काफी प्यार था क्योंकि वह हर रोज बहुत सारा दूध देती थी। धर्मपाल की कमाई ज्यादातर गाय के दूध से ही मिलती थी, तो वो चाहता था कि गाय हमेशा स्वस्थ रहे। एक दिन जब धर्मपाल खेत में काम कर रहा था, उसका बेटा रोते हुए उसके पास आया। पापू पापू जल्दी आइए। क्या हुआ बेटा? गैया बीमार हो गई है, शायद जमीन पर पड़ी है और अजीब आवाजें निकाल रही है, दूध भी नहीं दे रही है। किसान और उसका बेटा तुरंत घर की ओर गए तो देखा कि गैया बहुत कमजोर लग रही थी। जब दूध निकालने की कोशिश की तो दूध भी नहीं निकला। किसान बहुत ही परेशान हो गया। अगर यह दूध नहीं देगी तो मैं क्या करूँगा? बिना दूध के ये तो बेकार है मेरे लिए। हर बार इसके लिए दवाई और देख रेख करने का समय नहीं है मेरे पास। कुछ ना कुछ करके इससे छुटकारा ही पाना पड़ेगा। किसान को लगा कि अब गाय ठीक नहीं हो पाएगी, तो उसको खड़ा करके वन की ओर चलाते गया। गाय ने बहुत दूध दिया और अब वह उसके लिए बेकार हो चुकी थी। जंगल के भीतर पहुंचने के बाद किसान ने गाय को खुला छोड़ दिया और वहां से चला गया। बेचारी गैया अकेली और असहाय खड़ी रही। थोड़ी देर बाद गाय जंगल से डरने लगी और वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। अपनी हिम्मत जुटाकर चलने लगी। बहुत देर बाद आखिरकार वह खुली जगह पर पहुंच गई, पर उसको पता ही नहीं था कि वह कहां आ गई। अचानक से उसने एक छोटा सा घर देखा और जल्दी उसकी ओर चलने लगी। घर तक पहुंचते ही वह थकावट से बेहोश गिर पड़ी दरवाजे के पास। यह एक गरीब आदमी मधु का घर था। सुबह सवेरे मधु बाहर आया तो उसने गैया को अपने दरवाजे पर देखा। गैया बहुत बीमार लग रही थी और मधु को उसकी यह हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी पत्नी को बुलाया मदद के लिए। ओ सुनती हो, यह बेचारी गैया बहुत बीमार है, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। मेरे पास थोड़ा सा घास और चावल है जो यह खा सकती है। मधु ने जो कुछ थोड़ा सा खाना था वो ले आया और गैया के सिर पर गीला कपड़ा रखा। मधु और उसकी पत्नी ने बहुत दिनों तक गैया का ख्याल रखा और धीरे धीरे गैया की हालत बेहतर होने लगी। जल्द गाय अपने आप चलने लगी। मधु गैया से बातें करता था, रोज उसको खिलाते हुए। गैया को भी मधु से बहुत लगाव हो गया। एक दिन जब मधु घर के बाहर सफाई कर रहा था, गैया उसके सामने आ गई, अपना पैर जमीन पर पटका और मजबूती से खड़ी हो गई। पहले मधु को समझ नहीं आया, फिर उसको लगा कि शायद वो दूध देना चाहती है। मधु ने एक मटका लाया और गाय से दूध निकालने लगा। इतना सारा दूध देकर मधु खुशी से झूम उठा। जल्दी वह अपनी पत्नी को दिखाया। देखो क्या हुआ, आज गौ माता ने दूध दिया है। हम इसको बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये तो कमाल हो गया जी, प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली। ठीक है, आप जल्दी बाजार जाइए और इसको बेचकर पैसे ले आइए। आज रात हम घर पे दावत करेंगे। तो मधु गया बाजार और दूध बेचकर अच्छा पैसा कमाया। उसने भगवान को धन्यवाद किया उसको गैया देने के लिए। मधु दूध बेचने लगा और जल्द अपने शुद्ध दूध के लिए मशहूर बन गया। गांव वालों को अब केवल उसी का दूध चाहिए था।
जिसके लिए अच्छी रकम भी दिया करते थे। इस बात की खबर धर्मपाल तक पहुंच गई। मेरे गैया को चुराने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? और अब वह अच्छे पैसे कमा रहा है। मैं अभी जाकर उसको वापस लूंगा, वो तो मेरी गाय है। धर्मपाल गया मधु के घर। मैंने सुना मेरी गैया तुम्हारे पास है और तुम उसका दूध बेच रहे हो। ये तुम्हारी नहीं है, दे दो मुझे वापस। यह सच नहीं है, गाय बहुत बीमार थी और मरने वाली थी। तुमने इसका ख्याल नहीं रखा, पर मैंने इसको ठीक किया है, तो यह मेरी है। तुम गाय को वापस नहीं ले सकते। मैं चुपचाप नहीं बैठने वाला, ग्राम प्रधान के पास जाकर उनसे बात करूंगा, अब वही फैसला करेंगे। तो दोनों आदमी ग्राम प्रधान के पास जाकर अपनी समस्या सुनाई। तो यह है तुम लोगों की समस्या? यह तो बहुत आसान है, मैं हल कर दूंगा, चिंता ना करो। धर्मपाल को लगा अब वह जीत ही गया। उसको पता था कि वही गाय का असली मालिक है, तो बस उसी का नाम सुनने का इंतजार करता खड़ा रहा। तुम दोनों गाय के दाएं और बाएं खड़े हो जाओ। तो दोनों इसी प्रकार गाय के आजू बाजू में खड़े हो गए। कुछ देर तक सब चुपचाप थे। अचानक से गाय अपनी जगह से हिली और मधु के पास आकर खड़ी हो गई। अतः ग्राम प्रधान ने यह निर्णय लिया कि गाय मधु की ही है, क्योंकि उसी ने उसको प्यार दिया और उसको अच्छे से ख्याल रखा। अब गैया ने अपना मालिक खुद चुना है, तो मैं इसकी इच्छा टाल नहीं सकता। मधु, ले जाओ अपनी गाय को। मधु बहुत खुश हो गया और गैया को अपने घर ले चला। धर्मपाल निराश होकर पछताने लगा कि उसने गैया को पहले जाने ही क्यों दिया था। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि कठिन समय में अपने वरदान को ऐसे ही जाने ना दें। आपके पास जो है उसको हमेशा महत्व दें।